हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। सचिन शर्मा आपका फिजिक्स टीचर वेलकम करता हूं आपका हमारे चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल में। तो क्या हम पढ़ने वाले हैं वो देखते हैं, और साथ में ये भी देखते हैं कि क्या हमने पुराने वीडियोस में इस चैप्टर में सरल रेखा में गति पढ़ लिया है। तो इसमें चैप्टर में वेग समय ग्राफ आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और कुछ ग्राफ्स बनाएंगे हम जिनके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम्स में, तो वो देखते हैं किस प्रकार से होते हैं। और साथ में मैं आपको बताता हूँ कि पुराने वीडियोस में हमने जो है निर्देश तंत्र, चाल, विस्थापन, दूरी, वेग और साथ में स्थिति समय ग्राफ के बारे में भी काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, ठीक है। तो वो सारी आप वीडियो रिवाइंड करेंगे ना, तो वहाँ आपको पता चल जाएगा कि क्या पढ़ना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं वेग समय ग्राफ। तो वेग समय ग्राफ, तो वेग समय ग्राफ सीधा सीधा पता चल रहा है कि वेग समय ग्राफ में एक वेग को जो है वो वाई एक्स पर ले लेंगे हम, और समय को एक्स एक्स पर ले लेंगे, ठीक है। तो वेग समय ग्राफ का मतलब है कि वेग और समय में ग्राफ बनाना एक, ठीक है। तो आती बात एक समय एक समान गति के लिए वेग समय ग्राफ। तो वस्तु की एक समान गति क्या होती है? तो वस्तु की एक समान गति का मतलब होता है कि उसका वेग में कोई परिवर्तन ना होना, कि वेग लगातार वही चलना। तो जब ऐसी गति आती है जबकि कोई वेग परिवर्तन नहीं होता और साथ में समय में परिवर्तन लगातार होता जाता है, जैसे कि एक कार जो लगातार चल रही है परंतु उसकी जो स्पीड है, या फिर कह लीजिए एक रेलगाड़ी जो चलती है 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर चल रही है, और उसका ड्राइवर जो है उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं करता, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाने में उसका वेग समान रहता है, यानी कि 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जैसे कि मैंने वहाँ कह दिया कि एक स्टेशन है, या मैं कहता हूँ कि एक स्टेशन कोई है, उन दोनों के बीच की दूरी कुछ भी है, हम कुछ भी मान लेते हैं, अभी हम यहाँ दूरी जिक्र नहीं कर रहे, हम काम ही नहीं कर रहे दूरी पर। हम कहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में T1 से T2 समय लगता है, उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता, जो वेग है वो 370 किलोमीटर प्रति घंटा उसका वेग लगातार चल रहा है। तो ऐसे में जो उसका वेग होता है वो समान है, यानी कि v बराबर 70 किलोमीटर प्रति घंटा लगातार चल रहा है। तो जब उसका समय परिवर्तन होगा और उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तब एक हमें सरल रेखा प्राप्त होती है जो कि समय अक्ष के समांतर होती है, और उस पर हम दो बिंदु T1 T2, जैसे कि मैंने कहा दो स्टेशनों के बीच की दूरी, दो स्टेशनों के बीच के समय है, तो यहाँ T1 से चलती है एक स्टेशन से T2 पर पहुँच जाती है, वेग में कोई परिवर्तन नहीं है, तो हमें दो बिंदु यहाँ पर एक लंब डालकर मिल जाते हैं, COD दो बिंदु मिल गए, ठीक है। यहाँ C पर वेग, यहाँ पर भी V, इसका वेग V है, और यहाँ भी इसका वेग V है, तो एक रेखा मिल गई समय अक्ष के समांतर। तो एक समान गति में हमें वेग समय ग्राफ जो है वो एक रेखा होती है जो कि समय अक्ष के समांतर होती है। यहाँ से यहाँ तक हम एक लंब डाल देते हैं, सी से एफ तक, और डी से ई तक डाल लेते हैं, और इसके बीच का जो क्षेत्रफल है वो हमें विस्थापन देता है। क्या देता है? विस्थापन। विस्थापन का मतलब कि वस्तु ने, मतलब रेलगाड़ी ने कितनी दूरी तय की एक ही दिशा में, उसे न्यूनतम दूरी जो तय की उसको हम विस्थापन कहते हैं। तो वो विस्थापन हमें इसके क्षेत्रफल से मिल जाता है। वो कैसे, थोड़ा सा हम मैथमेटिकली देखेंगे। तो हम कहते हैं कि विस्थापन का सूत्र क्या होता है? विस्थापन बराबर होता है वेग गुणा समय अंतराल, ठीक है। वेग गुणा समय अंतराल जो होता है विस्थापन होता है। तो वेग कितना है यहाँ पे? वेग तो हमारा v चल रहा है, इसमें कोई चेंज है नहीं, और समय अंतराल कितना है? T2 में से T1 माइनस करके ऐसे रख दो। v क्या है? ये दूरी v है, ठीक है, क्योंकि वेग हमने y अक्ष पर वेग लिया हुआ है, तो ये दूरी v कहलाएगी। तो ये दूरी का मतलब CF दूरी, और T2 माइनस T1 कितना है? EF। तो ये CF गुणा EF क्या हो जाएगा? देखो क्या हो जाएगा,
आयत पढ़ा है, आयत में क्या होता है, आयत का मतलब होता है कि एक भुजा गुणा दूसरी भुजा बराबर आयत का क्षेत्रफल, एक भुजा की लंबाई गुणा दूसरी भुजा की लंबाई बराबर आयत का क्षेत्रफल, ये भी हमारा एक आयत बन गया है। क्या बन गया, आयत। तो क्या बन गया, आयत सी डी ई एफ, सी डी ई एफ का क्षेत्रफल, यानी कि विस्थापन जो है हमारा इस स्थिति में वो आयत सी डी ई एफ के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि एक समान गति के लिए एक ग्राफ बनाइए और उस ग्राफ से जो है वस्तु के विस्थापन का मान निकालिए, ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब आते हैं बात एक समान त्वरित गति की। एक समान त्वरित गति क्या होती है, एक समान त्वरित गति वो गति होती है जिसमें वेग का मान लगातार या तो बढ़ता जाता है या फिर घटता जाता है, समय जो बदलता है वो भी लगातार समान समय बदलता है। जैसे कि पहले हम वेग देख रहे थे 5 मिनट पर, दोबारा जब हम वेग देख रहे हैं फिर 5 मिनट पर देख रहे हैं, फिर तीसरी बार हम वेग का निर्धारण कर रहे हैं तब भी 5 मिनट पर कर रहे हैं, हम रेलगाड़ी की चाल या रेलगाड़ी का जो वेग है वो हर 5 मिनट पर देख रहे हैं, तो समय कितना है, हर 5 मिनट पर बदल रहा है, ठीक है, समयांतराल कितना पर हो रहा है, 5-5 मिनट का समयांतराल, परंतु वेग कैसे बदल रहा है, वेग बदल रहा है जैसे पहले वेग 5 मिनट पर था 10 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर अगले 5 मिनट पे फिर वो 15 हो गया, उस अगले 5 मिनट पे फिर वो 25 हो गया, इतना सडन इंक्रीज हो गया। तो वेग में असमान वृद्धि, असमान वृद्धि अथवा कमी जब होती है तो उस गति को हम एक समान त्वरित गति कहते हैं, और इस एक समान त्वरित गति में हम त्वरण निकालते हैं। तो त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समयांतर, वेग परिवर्तन कितना है वो हम यहां से निकालेंगे। हमने कहा T1 समय पर वस्तु का वेग V1 था, T2 समय पर वस्तु का वेग V2 था, यहाँ एक रेखा हमें ये प्राप्त होती है OB जो कि हमारी समय अक्ष के साथ थीटा कोण बनाती है, तब V2 से यहाँ पे एक लंब डाल दिया इस रेखा पर, और V1 से हमने यहाँ एक लंब डाल दिया V1A, और एक लंब हमने इस तरह से और इस तरह से डाल दिया, और इस भुजा को मिलाया और इस भुजा को मिलाया, तो ये हमारा जो होगा वो BC होगी, और BC क्या देगी हमें, V2 - V1, और AC क्या देगी हमें, T2 - T1। तो त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समयांतराल, वेग परिवर्तन कितना हो गया, V2 में से V1 माइनस कर दिया, और समयांतराल कितना हो गया, T2 में से T1 माइनस कर दिया, और V2 - V1 क्या है इस टाइम, BC, और T2 - T1 क्या है, AC, और BC हमारा लंब है और ये आधार है, और लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा होता है। तो इस प्रकार त्वरण जो होगा वो वेग समय वक्र की प्रवणता के बराबर हो जाएगा। यहाँ tan थीटा हमें कहाँ से मिला है, इस वाले त्रिभुज से, तो वो इस रेखा की ढाल बताता है, क्या बताता है, ढाल, ठीक है, इस तरह से जब रेखा है ना तो इसकी ढाल निकलती है, ढाल होती है ये, तो ढाल कैसे निकालते हैं, हम इस तरह से लंब डाल देते हैं, एक लंब ऐसे पड़ता है और उसके बीच में जो कोण बनता है थीटा कोण बन जाता है, ठीक है, तो ये इसकी ढाल निकलती है, तो एक बराबर वेग समय वक्र की प्रवणता ढाल, इसको हम स्लोप भी बोलते हैं, प्रवणता को हम बोलते हैं स्लोप। तब स्थिति में त्वरण कितना आ गया, इस तरह से हमारा निकल जाता है, ठीक है। अब इसके बाद लेते हैं असमान त्वरित गति, तो क्या होती है असमान त्वरित गति देखते हैं। असमान त्वरित गति हमारा पार्ट 3 हो गया, असमान त्वरित गति, असमान त्वरित गति के लिए जो ग्राफ मिलेगा हमें, वो ग्राफ हमें एक वक्र रेखा मिलेगी, एक वक्र रेखा प्राप्त होगी, y अक्ष, x अक्ष, वेग, समय, तो हम इसके दो क्षण ले लिए, हमने दो क्षण कहता हूँ, दो समय ले लिए, समय T1 ले लिया और समय T2 ले लिया, तो समय T1 पर वस्तु का वेग V1 हो गया और समय T2 पर वेग V2 हो गया, ये असमान त्वरित गति है। तो असमान त्वरित गति मैंने आपको बताया कि असमान त्वरित गति में वेग जो होता है वो जो है उसका या तो असमान वृद्धि कही जाएगी उसमें या फिर असमान कमी की कही जाएगी, तो एक गति जिसमें वस्तु के वेग में असमान वृद्धि होती है या फिर असमान कमी होती है उसे हम असमान त्वरित गति कहते हैं। तो इसमें हमने कहा समय T1 पर वस्तु का वेग V1 है और समय T2 पर वस्तु का वेग V2 है,
तो समय t1 पर वेग v1, समय t2 पर वेग v2, एक हमें ये वक्र रेखा मिल जाती है जिसे हम इस प्रकार से देख रहे हैं। ठीक है, एक लंब हम ऐसे डाल देते हैं, एक लंब हम ऐसे डाल देते हैं, इस तरह से भी समय अक्ष पर भी लंब खींच देते हैं, तो एक कोण हमें यहाँ पे थीटा मिल जाता है। ये दूरी कितनी है, v2 में से v1 माइनस करो, ये दूरी कितनी है, t2 में से t1 माइनस करो। ठीक है, तो यहां पर निकालेंगे हम औसत त्वरण। क्या निकालेंगे, औसत त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। चलो, वेग में परिवर्तन कितना है, v2 माइनस v1 बटे t2 माइनस t1, ये हमारा औसत त्वरण निकल रहा है। तो औसत त्वरण को हम a एवरेज से बताते हैं और वेक्टर हमने ऊपर लगा दिया। v2 माइनस v1 क्या है हमारा, bc, t2 माइनस t1 क्या है, ac, bc लंब, ये आधार, तो bc अपॉन ac क्या हो गया, लंब बटे आधार, और ये थीटा कोण भी बन रहा है, तो क्या आ गया यहाँ पे, टेन थीटा। तो ए औसत बराबर टेन थीटा, और थीटा को क्या हम, टेन थीटा को हम क्या कहेंगे यहाँ पे, इस वक्र की ढाल, क्या कहेंगे, वक्र की ढाल, या फिर कहेंगे प्रवणता। तो औसत त्वरण कितना हो गया, वेग समय वक्र के ढाल के बराबर होता है औसत त्वरण। ठीक है, अब यहाँ पे आता है साथ में, जब असमान त्वरित गति है, अब ये तात्क्षणिक त्वरण भी देगी। तो तात्क्षणिक त्वरण कौन सा होता है, किसी विशेष क्षण पर, मैं कहता हूँ समय t1 पर, किसी विशेष क्षण पर, ठीक है, किसी विशेष क्षण पर हमें वेग देखना कितना होगा। तो जब हम एक विशेष क्षण लेते हैं, तो उस विशेष क्षण पर, यानी कि सूक्ष्म समय अंतराल जिसे बोलेंगे, क्या कहेंगे, सूक्ष्म समय अंतराल पर, यानी कि डेल्टा टी टेंस टू जीरो पर हम देखेंगे इसको। तो जब हम इसको देखते हैं सूक्ष्म समय अंतराल पर, तब ये बी बिंदु जो होगा इस वक्र का, वो घटकर यहां आ जाएगा, इस बिंदु के ऊपर आ जाएगा। तो बी ए के समीप आ जाता है, समीप आ जाता है इस ग्राफ में, और जब समीप आ जाएगा तब यहाँ पर ये वक्र रेखा ना होकर ये यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खिंची जाएगी, यहाँ से क्या खिंच जाएगी, एक स्पर्श रेखा चली जाएगी, इस तरह से ये स्पर्श रेखा चली गई, ये स्पर्श रेखा बन गई, क्योंकि बी ए के पास आ गया, इसके संपाती हो जाएगा, और ये हम इसको बढ़ा देते हैं तो ये समय अक्ष के साथ एक कोण अल्फा बना लेती है, अल्फा बना लेती है। तब त्वरण क्या होगा, यानी कि तब त्वरण को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तात्क्षणिक त्वरण, तात्क्षणिक त्वरण। और तात्क्षणिक त्वरण को हम बताते हैं ए आई एन करके, ए इंस्टेंटेनियस बराबर टेन अल्फा, इस टेन अल्फा के बराबर होता है, यानी स्पर्श रेखा की प्रवणता के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने एक समान गति देखी, एक समान त्वरित गति देखी वेग समय ग्राफ में, और वेग समय ग्राफ में हमने असमान त्वरित गति देखी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होता है इसके अंदर। तो स्टूडेंट, अब हम वेग समय ग्राफ में गति विश्लेषण करेंगे, वेग समय ग्राफ से गति विश्लेषण देखेंगे किस तरह से होती है। ठीक है, कि वस्तुओं किस तरह विभिन्न विभिन्न प्रकार से गतियां करेंगी। तो इसमें मैंने सात केस आपके लिए बनाए हैं। तो सात केस में से पहला केस है हमारा, जब वस्तु नियत वेग से गतिमान है, यानी कि उसका वेग नियत है, यानी कि वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तब हमें इस तरह का ग्राफ प्राप्त होता है, जो वक्र प्राप्त होगा, ए बी प्राप्त होगा हमें वेग समय ग्राफ में, जो कि समय अक्ष के समांतर होगा। इसमें थीटा बराबर जीरो हो जाता है, क्योंकि ये वक्र इसके साथ, समय अक्ष के साथ कोई कोण नहीं बनाता, इसलिए थीटा बराबर जीरो। दूसरी स्थिति आती है, वस्तु विरामावस्था से चलकर, यानी कि यू क्या है इसका, यू जो होती है हमारी प्रारंभिक वेग होता है, यू होता है हमारा प्रारंभिक वेग, यानी कि वस्तु प्रारंभ में
किसी वेग से चल रही थी, परंतु वस्तु क्या कही है, विरामावस्था चल रही है, विरामावस्था से चल रही है। तो इसका मतलब यू बराबर क्या हो गया, जीरो। यू को हम जीरो रख देंगे यहाँ पे। तो जब यू जीरो से चलती है, विरामावस्था चलती है, तो हमेशा ग्राफ मूल बिंदु से ही स्टार्ट होता है, मूल बिंदु से ही शुरू होता है हमेशा ग्राफ जब वस्तु विरामावस्था से चलती है। तो वस्तु विरामावस्था चलकर नियत धनात्मक त्वरण प्राप्त करती है, तो उस स्थिति में जो ग्राफ बनेगा वो एक सरल रेखा बनेगा जिसका समय अक्ष के साथ जो कोण होगा वो थीटा होगा। और थीटा इस स्थिति में क्या होगा, थीटा इस स्थिति में 90 डिग्री से छोटा होगा। आती है बात थर्ड पॉइंट की, जिसमें कहा गया कि वस्तु किसी प्रारंभिक वेग से चलकर, यानी कि यहाँ मैंने क्या कहा था, विराम अवस्था चल रही थी, तो यू क्या था, जीरो था। अब यू इन्होंने कहा कि प्रारंभिक वेग है कोई, किसी प्रारंभिक वेग से, यानी कि यू का मान कुछ दिया हुआ है। जब यू का मान दिया हुआ है तो वस्तु अब मूल बिंदु से नहीं चलेगी, अब इस वस्तु किसी अन्य बिंदु से चलेगी जो कि वाई अक्ष पर होगा। तो वाई अक्ष पर हमने कहा कि यहाँ से चलती है, यहाँ पर इसका वेग यू है, तो यू से चली तो एक रेखा प्राप्त होगी। यदि मैं से इस बिंदु को ए कहूँ और इस बिंदु को बी कहूँ, तो एक रेखा ए भी प्राप्त होती है जिसका समय अक्ष के साथ झुकाव थीटा होता है। ये समय अक्ष के समांतर हमने एक रेखा खींच दी, ये वाली रेखा समय अक्ष के समांतर खींच दी, और इसे समय अक्ष मान करके ये जो कोण होगा वो थीटा होगा। और थीटा इस टाइम कितना होगा, इधर थीटा भी लेस देन 90 डिग्री ही होगा। ठीक है, आता है चौथा केस इसका। चौथे केस में कहा गया कि वस्तु किसी प्रारंभिक वेग से प्रारंभ करके नियत ऋणात्मक त्वरण से गति करती है। ऋणात्मक त्वरण आ गया फिर इसमें, तो ऋणात्मक त्वरण का मतलब है कि उसका वेग लगातार घट रहा है। तो जब प्रारंभिक वेग से स्टार्ट करती है, तो प्रारंभिक वेग से मैंने आपको बताया कि कभी भी मूल बिंदु से वो गति नहीं होगी, और ये ऋणात्मक त्वरण से भी गति कर रही है, इसका मतलब ग्राफ अब ऊपर जाने के बजाय नीचे की ओर आएगा। तो ग्राफ कहाँ से आएगा, ये प्रारंभिक वेग इसका यहाँ पर मान लिया यू हमने, तो यू से यहाँ पर गतिमान है, और जब ये ऋणात्मक से गति करेगी तो अब नीचे की ओर आएगी, यानी कि ढलान कौन सा होगा इसका, ढाल क्या हो गई, ऋणात्मक ढाल होगी, ऋणात्मक, तो ऋणात्मक ढाल से नीचे की ओर आएगा। और जब इसका हम इस समय अक्ष के साथ कोण देखेंगे तो वो थीटा आता है, और थीटा ये 90 डिग्री से बड़ा होगा इस स्थिति में। ठीक है, तो ऋणात्मक जब त्वरण आएगा तो उस केस में ये नीचे की ओर गति करेगा ग्राफ, ग्राफ जो नीचे की ओर आएगा, वक्र नीचे की ओर बनेगा। अब आती है बात पांचवें बिंदु की, तो पांचवें बिंदु में कहा गया जब वस्तु किसी ऋणात्मक वेग से गति करी, यहां पर ऋणात्मक त्वरण था, यहां पर ऋणात्मक वेग है। ठीक है, तो ऋणात्मक वेग से जब गति करेगी, तो ऋणात्मक वेग यहां ये वाई अक्ष थी, ये वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष, हमने केवल अभी तक इतनी ही बना रखी थी, केवल इतना ही पोर्शन हमने बना रखा था, ये एक्स अक्ष ले रखी थी हमने और ये वाई अक्ष ले रखी थी। इसको यदि मैं पीछे की ओर बढ़ा दूं तो ये ऋणात्मक एक्स अक्ष हो जाती है, यानी कि माइनस के एक्स अक्ष हो जाती है, और जब इसे मैं नीचे की ओर बढ़ा दूं तो ये माइनस के वाई अक्ष हो जाती है। ठीक है, अभी कह रहा है, अब वाई अक्ष पे क्या है, हमारा वेग है वाई अक्ष पे, अब ये कह रहा है कि ऋणात्मक वेग, तो ऋणात्मक वेग कहाँ होगा, ऋणात्मक वेग नीचे की ओर होगा, यानी कि कहाँ, कहीं पे यहाँ होगा, तो वही चीज़ दिखाई हुई है यहाँ पर, ये माइनस का यू यहाँ पर है। ठीक है, तो माइनस के यू वेग से गति करती है और नीचे की ओर इसका वक्र बनता है, वक्र मान लिया हमने ए बी वक्र है ये, ठीक है, बनता है, और एक रेखा हमने इस बिंदु पर ले ली, कोई बिंदु मान लिया, हम यहाँ भी ले सकते थे, यहाँ भी ले सकते थे, हमने एक बिंदु यहाँ ले लिया इस रेखा, इस वक्र पर, और इसे हमने इस समय अक्ष के समांतर खींच दिया। तो अब इस रेखा और इस रेखा के बीच में जो कोण बनेगा थीटा, ठीक है, ये भी 90 डिग्री से आपका बड़ा होगा। ठीक है, तो कुछ ऋणात्मक वेग से जब अब चलती है तो वो एक्स अक्ष के नीचे की तरफ वक्र आता है उसका, ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। ठीक है, आते हैं बात वस्तु विरामावस्था से प्रारंभ करके निरंतर बढ़ते हुए परिवर्ती त्वरण से गति करती है। वस्तु कहाँ से चल रही है, विरामावस्था से, इसका मतलब कहाँ से चलेगी, मूल बिंदु से वक्र स्टार्ट होगा। विरामावस्था का मतलब है कि मूल बिंदु से वक्र स्टार्ट होगा, और निरंतर बढ़ते हुए परिवर्ती त्वरण, परिवर्ती त्वरण को कहते हैं असमान गति का जो त्वरण होता है, असमान गति में ही होता है, असमान
त्वरित गति में जो त्वरण होता है उसे ही हम परिवर्ती त्वरण या फिर असमान त्वरण कहते हैं। तो असमान त्वरण से निरंतर बढ़ रही है, तो इस तो ग्राफ बनेगा इस तरह से वक्राकार होगा और जिसका झुकाव कहाँ होगा वो वेग अक्ष की तरफ होगा। वेग अक्ष ये वाली है, ये वेग है ना, तो वेग अक्ष की तरफ झुकाव हो जाता है, ऐसे जाएगा ये इस तरह से। तो जब इस तरह का झुकाव बनता है तो दो बिंदु ले लेते हैं हम, एक बिंदु ये ले लिया और ये हमने समय अक्ष के समांतर रेखा खींची और ये हमने समय अक्ष के समांतर खींची और ये एक इसकी स्पर्श रेखा खींच दी इस बिंदु पर, एक स्पर्श रेखा इस तरह से खींच गई। तो इनके बीच जो कोण बनता है, ठीक है, तो इनके बीच जो कोण बनता है वो थीटा टू जो होगा वो बड़ा होगा थीटा वन से, यानी ये कोण बड़ा बनेगा ये कोण छोटा बनेगा। तो अगले बिंदु पर आते हैं जो कि सातवां बिंदु है। जब वस्तु विराम से प्रारंभ करेगी यानी विरामावस्था से प्रारंभ करती है तो इसका मतलब मूल बिंदु से प्रारंभ करती है। तो जब मूल बिंदु से प्रारंभ करके निरंतर घटते हुए परिवर्ती त्वरण से गति करती है यानी कि अब त्वरण घटेगा, यहां क्या था त्वरण बढ़ रहा था, त्वरण अब क्या होगा घटेगा, यानी कि वेग निरंतर घटता चला जाएगा त्वरण भी घटता चला जाएगा। तो इस तरह से ग्राफ आएगा जिसका झुकाव कहाँ होगा समय अक्ष की तरफ होगा, ऐसे आता चला जाएगा। तो इस स्थिति में भी दो बिंदु वक्र पर हम लेते हैं तो ये स्पर्श रेखा और ये समय अक्ष के समांतर रेखा, ये स्पर्श रेखा और ये समय अक्ष के समांतर रेखा, इन दोनों के इसके बीच जो कोणों का थीटा वन, यहाँ जो कोणों का थीटा टू और यहाँ पर थीटा वन थीटा टू से बड़ा होता है, यहाँ पर थीटा टू थीटा वन से बड़ा था, थीटा वन थीटा टू से बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ये सात केसेस आपके आते हैं, इन सात केसेस के आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो उनमें कुछ भी आपसे कह सकते हैं कि वस्तु एक प्रारंभिक वेग से गतिमान होकर ऋणात्मक त्वरण से गति करती है तो उसके लिए एक ग्राफ बनाइए, तो ग्राफ में आप ये ग्राफ बनाएंगे। कहा जाएगा आपको कि एक वस्तु निश्चित ऋणात्मक वेग से गति करती है और ऋणात्मक त्वरण से मतलब वेग से गति करके प्रारंभ करती है, उसके बाद ऋणात्मक त्वरण से गति करती है, तब उस स्थिति में नीचे से स्टार्ट होगा। एक चीज़ और आती है इसमें, यह भी कहा जा सकता है कि ऋणात्मक ना कह के या धनात्मक कह देंगे, क्या कह देंगे कि धनात्मक कह देंगे, ऋणात्मक की जगह यदि इन्होंने धनात्मक कह दिया तब आप क्या करेंगे। धनात्मक की स्थिति में ये कह देंगे धनात्मक त्वरण से निश्चित धनात्मक वेग से प्रारंभ करके ऋणात्मक त्वरण से गति करती है, तब उस स्थिति में जो ग्राफ हो जाता है वो ऐसा हो जाता है, यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ ऐसे जाएगा नीचे की ओर। तो ये धनात्मक वेग तो धनात्मक है इसका, परंतु नीचे की ओर जाएगा ऋणात्मक त्वरण से, तब ग्राफ इस तरह का हो जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे कई केसेस पूछे जाएंगे इसमें कि जब वस्तु विराम से प्रारंभ करती है निरंतर घटते हुए परिवर्तित त्वरण से गति करती है, ठीक है, तो उसके लिए ग्राफ बने, तो ग्राफ में इस तरह से ग्राफ बन जाएगा। तो ऐसे सात आठ केसेस होते हैं जो कि जिनके आधार पर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा और आपको इस तरह से बताना है ग्राफ बनाकर। तो स्टूडेंट्स कैसा लगा आपको वीडियो, तो वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, ठीक है, अपने कलीग्स को बताइए, जो आपके स्कूल में आपके साथ में बच्चे स्टूडेंट पढ़ते हैं उन्हें आप बताइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अच्छे से अच्छा मटेरियल हमारा पहुंच सके। तो ब्लूप्रिंट डिजिटल में जो है आज के लिए बस इतना ही और हम अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम कुछ आंकिक उदाहरण भी देंगे और साथ में सापेक्षिक वेग पर हम डिस्कस करेंगे, सापेक्षिक वेग क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं और थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।